हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका भी अच्छा स्कोर आया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसएससी ने आज अपने सीजीएल 19 के मार्क्स रिलीज कर दिए हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ कि जो मैथ्स में 18 शिफ्ट वाले थे जिनका 18 तारीख को पेपर था, वो कितने बड़े विक्टिम यहाँ पर हुए हैं। एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है और इस तरीके से नंबर दिए हैं उन्होंने और इस तरीके से नंबर घटाए हैं, तो इस पे केस होना तो लाजमी बनता है। बिल्कुल, इसमें बेचारे बच्चे की क्या गलती है? वो वहाँ इतना अच्छा स्कोर करके भी अगर इतने नंबर उसके कम हो रहे हैं तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। सारा एसएससी का ही जो कुछ भी है, एसएससी ने अपना जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। या एसएससी को इतनी शिफ्ट, जब 3 शिफ्ट में पेपर करा रहा है तो 3 नॉर्मल शिफ्ट उनको देनी चाहिए थी, एक शिफ्ट उन्होंने ऐसी दे के उन बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। तो आइए, मैं जो एक बच्चे का स्कोर कार्ड है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बेचारे का कितना स्कोर कम हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चे का स्कोर दिख गया होगा, प्री में उसके 159 थे। चलो इस स्कोर को तो गोली मारो। यहाँ पर देखो, बच्चे का स्कोर 170 था मैथ्स में, 170 उसने पढ़ के लिया होगा दोस्तों 18 की शिफ्ट में। वैसे कितना इजी पेपर हो, 170 85 क्वेश्चंस होते हैं तो अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर किसी भी शिफ्ट में मैथ्स में 170 प्लस है तो अच्छा स्कोर माना जाता है। बच्चे के 92 मार्क्स कर दिए हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 78 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है, 78 मार्क्स इन्होंने कम कर दिए हैं। तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? 18 शिफ्ट बिल्कुल विक्टिम कार्ड हैं, बिल्कुल वो केस कर सकते हैं इस पर। इंग्लिश में उनके सिर्फ 3 नंबर बढ़े हैं तो ओवरऑल इनके आप देख सकते हो लगभग 75 नंबर कम हो गए हैं। तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं था, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है। जिस भी बच्चे का स्कोर कार्ड 18 तारीख में, मैंने कईयों का देखा कि माइनस में भी नेगेटिव स्कोर कार्ड गया है यार, 150 नंबर से नेगेटिव स्कोर कार्ड गया है, तो क्या हालात है एसएससी के? तो कोई भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस पे केस होना लाजमी है। बिल्कुल विक्टिम्स हैं और जिसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं उन बच्चों को भी एक बार तो मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनकी मेहनत रंग लेके आई है। बट जो भी 18 शिफ्ट वाले बच्चे थे उनके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और शायद ऐसा हो भी सकता है कि ये भी जैसे 2017 में अटका था कोर्ट केस की वजह से, जो ये अटक गया था सीजीएल वाला, तो इस बार भी वो बिल्कुल अटक सकता है, प्रोसीजर ये लंबा खींच सकता है। तो दोस्तों, जिस भी बच्चे के 18 में कुछ नेगेटिव स्कोर कार्ड रहा होगा तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिस भी बच्चे के कितने मार्क्स बढ़े हैं 18 की शिफ्ट में वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो शेयर करना प्लीज़ वीडियो को ग्रुप्स में, आगे तक जानी चाहिए ये वीडियो सब तक। थैंक यू फ्रेंड्स।